हफ्ते हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि हम लोग अपने घर में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें सरकार द्वारा इस महामारी, जो वैश्विक महामारी इस समय फैली हुई है, इससे बचने के लिए हमें घर में बैठने की सलाह दी गई है। तो इसमें सबसे पहली समझने वाली चीज़ ये है कि हम घर ज़रूर बैठे हैं, लेकिन हम छुट्टी पर नहीं हैं। जी हाँ, हम घर बैठे हैं लेकिन हम लोग छुट्टी पर नहीं हैं। हम जब 21 दिन के बाद घर से बाहर निकलें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम 21 दिन पीछे हो गए हैं। हमें अपने इन 21 दिनों को इतना रचनात्मक बनाना है और बिल्कुल वैसे ही अपने सारे काम करने हैं जैसे हम अपने काम इन लॉकडाउन से पहले कर रहे थे, इस कर्फ्यू से पहले कर रहे थे। हमारे मन में घर बैठने से हमेशा ये विचार आता है कि घर बैठने का मतलब है छुट्टी, क्योंकि हमारी आदत अभी तक ऐसी रही है। लेकिन अब का समय हमें एक ऐसी परिस्थिति है कि हमें देश को ये समय, अपना समय देना है, और ऐसे टाइम में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दफ्तर के काम को, अपने जो भी हमारा कारोबार है उस काम को करने की रहती थी, लेकिन आज के समय में हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे परिवार के सभी लोग 21 दिनों के लिए हमारे साथ घर में बंद हैं। हमारे बच्चे जो रोज़ स्कूल जाते थे उनकी हमें कभी टेंशन नहीं होती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल की टेंशन होती थी कि उन्होंने पूरे दिन में बच्चे को क्या सिखाना है। दोपहर के बाद बच्चा आता था तो उसकी जो माँ है, माँ की टेंशन होती थी कि उन्होंने उसके बाद शाम तक अपने बच्चे को क्या सिखाना है। फादर के आने तक, शाम तक आने तक बच्चे का पूरा दिन व्यतीत हो चुका होता था, और फादर के घर आने के बाद वो अपना थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताकर और बच्चा सो जाता था। फादर को इतना पता भी नहीं लगता था कि बच्चे ने पूरे दिन में क्या किया। लेकिन इस समय में जब वो हमेशा पूरा टाइम हमारी आंखों के सामने रहेगा, तो हो सकता है कि हमें उसकी कुछ बातें अच्छी लगें, कुछ बातें बुरी लगें। सबसे पहले तो अपने इस समय में हम लोग कोई सकारात्मक सोच लेकर आएँ, और हर इस तरह का समय अपने साथ साथ एक संदेश भी लेकर आता है, और एक ऐसा संदेश लेकर आता है जो अलग अलग अनुभवों से ये भरा होता है, और ये जीवन का संदेश है। ये बताता है कि हम इस समय में हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और हमारा दिन अच्छा हो सकता है, कुछ समय अच्छा हो सकता है, कुछ समय बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपने समय में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, अपने काम करने की जो हमारी आदत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारा समय हमेशा अच्छा ही रहेगा तो फिर हम सीखेंगे क्या, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हमेशा उसी समय में आते हैं जो समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। शायद बहुत ही कम सौभाग्यशाली लोगों को ये मिलता है कि हम इतने दिन तक अपने परिवार के साथ रहें। हम अपनी ज़िंदगी के 70-80 साल, 60 साल अपने परिवार के साथ रहकर बिता देते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने परिवार के साथ होते हैं? इस समय में कुछ रचनात्मक कर सकते हैं ताकि जब हम 21 दिन के बाद अपने घर से निकलें तो हम 21 दिन पीछे नहीं हों। परिवार के साथ अगर हम सबसे पहले बच्चों की बात लें, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ रहते हैं या छोटे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस विषय में कमज़ोर है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमारा बच्चा वीक होता है, कमज़ोर होता है, और हम अपनी रोज़ की भाग दौड़ में उसको समय नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो अब हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम उसके साथ बैठकर उसके वीक सब्जेक्ट के बारे में उससे बात करें और हम उसको समझाएं। इसके लिए हम ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं। इन सभी के सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह हमें इस टाइम मिल सकती हैं, और हम अपने बच्चे के साथ टाइम लगाकर उसको उसके वीक सब्जेक्ट के अंदर उसको होशियार बना सकते हैं। और है कि हम अपनी कोई खुद भी और बच्चों के साथ भी हम कोई नई भाषा सीखें, हम कोई नया काम करें, और कुछ नहीं तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही हम अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। हम अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करके रोज़ एक अच्छी पकड़ हम बना सकते हैं। हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम किसी देश की डॉक्यूमेंट्री, किसी आविष्कार की डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, हम देख सकते हैं, खुद भी बैठें, अपने बच्चों को भी अपने साथ बैठकर दिखाएं, और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को, समझने को, देखने को मिलता है। और आजकल एक बहुत अच्छी ऑनलाइन जो चीज़ है कि ऑडियो बुक्स हमें मिल जाती हैं, जो हम सिर्फ सुनकर, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑडियो बुक को हम सुनकर उस पूरी किताब के बारे में हम जान सकते हैं, उस पूरे विषय के बारे में हम जान सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पर या ऑनलाइन गूगल के ऊपर हमें ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक्स की वेबसाइट मिल जाएंगी जिनसे हम अपनी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये भी चीज़ हम अपने बच्चों के साथ बैठकर शेयर करें तो हमें खुद को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक जानकारी होगी। और एक आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि दुनिया छोटी हो चुकी है, हमारे बच्चों को हमें
पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए अपने घर को छोड़कर दूर दूर जाना पड़ता है। और दूर दूर जाने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को वहाँ पर कहीं पर पीजी पेइंग गेस्ट में रहना पड़ता है या बाहर का गंदा खाना खाना पड़ता है। तो इन 21 दिन के अंदर हम अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और स्पेशली जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, इस टाइम वो फ्री हैं। 11th के स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम सर पर उनके टेंशन नहीं है। 12th के स्टूडेंट अपने पेपर देकर तकरीबन फ्री हो चुके हैं, शायद उनका कोई एक आधा पेपर रह गया होगा, किसी का एक या दो पेपर रह गए होंगे। तो तकरीबन स्टूडेंट्स इस टाइम फ्री हैं, वो अपने घर पर खाना बनाना सीख सकते हैं इन दिनों में, अपने इस टाइम को सदुपयोग कर सकते हैं, ताकि कल को वो हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाते हैं, उसके बाद अगर उनकी कहीं नौकरी बाहर लगती है, उनको बाहर जाके रहना पड़ता है, तो अपने घर का साफ सुथरा अच्छा खाना खा सकें और उनको बाहर जाकर कम से कम खाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये खाना बनाने की जो कला है, हम बहुत आराम से इन दिनों में सीख सकते हैं। और उसके बाद बात आती है हमारी हॉबीज़, जिनके बारे में हम सिर्फ कई बार लिखने में बातें आती हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या, हम सिर्फ लिख देते हैं, शायद हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। हमें अपनी हॉबीज़ को टाइम देना चाहिए। सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, कोई क्राफ्ट्स हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, जिनके लिए हमें बाहर जाकर कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमें घर में हमें मिल जाती हैं, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, इस टाइप की चीज़ें हम बहुत सारी अपने घर में बैठकर बना सकते हैं। बहुत कुछ हम नेट पर ढूंढ सकते हैं और उनको हम अपना कोई ऐसी शक्ल दे सकते हैं कि जो हमें बाद में देखने में खुद को भी अच्छी लगे। तो हमें अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना चाहिए।